अस्सलाम वालेकुम माई YouTube फैमिली, वेलकम टू न्यू व्लॉग। मैं जी जा रही हूँ एम्पोरियम मॉल, क्योंकि मुझे लेने हैं सर्दियों के लिए स्लीपर्स, अपने लिए कंफर्टेबल स्लीपर जो बिल्कुल नरम हो और जो पहनने में बहुत इजी हो। बस वो मुझे कहीं से मिल नहीं रहे, तो आई थिंक मैंने एक ऑनलाइन देखे हैं अलमास पे भी, तो शायद मुझे वहाँ से अच्छे ऑप्शन मिल जाएँ। तो बस ये मैं पर्स वगैरह चेक कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल अकेली जा रही हूँ, बच्चे मेरे साथ नहीं हैं, तो मैं यही सोच रही थी कोई चीज़ रह तो नहीं गई। बहर शुक्र अल्लाह ताला का पर्स में सब कुछ मौजूद है। तो जी मैं अलमास आ गई हूँ, ये एम्पोरियम में सेकंड फ्लोर पे लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। मैं बस इनके शूज़ या कलेक्शन आपको साथ साथ दिखा भी देती हूँ, न्यू अराइवल्स हैं। अच्छा, हील्स पे इनकी सेल थी, हील्स में मैं इंटरेस्टेड भी नहीं थी, इस वजह से मैंने नहीं देखा। मैं ये न्यू अराइवल्स इनके स्लीपर्स हैं, तो मैंने ऑनलाइन ये पहले देखे थे और ये ज़िब्रा प्रिंट भी देखे थे। अच्छा, जो साइड सोल वाले आपको मोटे सोल वाले नज़र आ रहे हैं, ये भी ऑनलाइन मुझे बड़े अट्रैक्ट किए थे, लेकिन इसका सोल बहुत मोटा था। थैंक गॉड कि मैंने ऑनलाइन ना कुछ भी नहीं मंगवाया था। मैं शायद ये भी लूँ, ये भी ऑप्शन में है कि एक मैं इस तरह के शूज़ भी लूँ, क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग में। बस इस तरह ये सारी मैं शॉपिंग देख रही थी, और जो मैं साथ साथ अपने साइज़ के हवाले से भी कंसर्न थी, और मैंने जो स्लीपर्स थे वो मैंने कह के ये मंगवा लिए थे, और साथ मुझे ये शूज़ बहुत अट्रैक्ट किए थे। ये मुझे सेल में तो नहीं मिले थे, न्यू अराइवल में थे, और फिर भी मैंने सोचा कि अब मैं आई हूँ तो अब मैंने ले के जाने हैं। तो बस इस तरह ही मैं ये पैकिंग वगैरह करवा रही थी, और साइड पे मुझे ये भी शूज़ वगैरह नज़र आ रहे थे, और मुझे ये स्लीपर्स भी नज़र आ रहे थे, और ये सेल में थे, लेकिन इसमें ना मेरा साइज़ नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने सेल्समैन से रिक्वेस्ट की कि ज़रा चेक कर दें अगर ब्लैक में कोई साइज़ मगर मेरे लिए स्टोर में पड़ा हो। बहरहाल वो मान गया था, शायद वो इंटरेस्टेड भी नहीं था देने में। शायद ये लोग भी थक जाते हैं, इनका भी कसूर नहीं होता, क्योंकि हर टाइप के कस्टमर आते हैं, चेक करते हैं और फिर बगैर लिए भी चले जाते हैं। बहरहाल जी वो मेरे लिए देखने गया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें साइज़ नहीं मिलेगा। बाकी ये सेल्स में थी जूतियाँ, इसमें जो साइज़ थे वो काफ़ी छोटे थे। तो इसके साथ साथ मुझे एक और ब्लैक भी नज़र आए थे, वो नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। इसके साथ मैंने इनकी कोट और स्वेटर कलेक्शन भी ऑनलाइन देखी थी, तो ये कोट काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था, जिस टाइप का मेरे पास ऑलरेडी है। तो और इस पर ना मेरे पास स्किन कलर का है ना इस टाइप का, तो ये ब्लैक ही मैं देख रही थी, सेम वैसे ही था, और इसका जो फाट था ऊपर से ना वो लैदा हो सकता था, और इसकी जो प्राइस थी 6500 थी। तो बहरहाल ये मैंने सोचा ये भी आप लोगों से शेयर कर दूँ, कोई मेरी बहनें लेना चाहती हैं। तो अलमास पे अच्छी कलेक्शन आई हुई है, इस टाइप की स्वेटर्स हैं, और इतनी ज़्यादा प्राइसेस तो नहीं मैं कहूँगी, बहरहाल प्राइसेस हैं भी और नहीं भी, बस मिक्स ही थी। और इस तरह जी वो दूसरे शूज़ भी लेने गया था। अच्छा, मैं आपको एम्पोरियम का हाल दिखाऊँ कि बिल्कुल भी रश नहीं था। ये देखिए राइट लेफ़्ट पे बिल्कुल सुनसान एम्पोरियम हुआ था, बहुत कम फैमिलीज़ थी, शायद वीकेंड भी नहीं था। अच्छा, ये स्लीपर्स जो थे ना ज़ेब्रा प्रिंट से ज़्यादा मुझे ये अच्छे लगे थे। ज़ेब्रा प्रिंट वाले जो वाइट थे ना, मुझे ये था कि वो कहीं गंदे ना जल्दी हो जाएं, तो फिर मैंने जो ब्लैक थे ना ये थोड़े से उसमें प्राइस पर ज़्यादा थे, लेकिन मैंने सोचा कि ब्लैक ही लेने चाहिए, तो फिर ये मैंने ब्लैक ही ले लिए, तो ये कम्फर्टेबल भी थे। बस इस तरह जी ये मैं बिल वगैरह की पेमेंट करवा रही हूँ, और बस इसके बाद नेक्स्ट दिखाती हूँ कि अब क्या होता है। बच्चे और स्कूल के ट्रिप्स आए हैं यहाँ पर, हम मैं वेट कर रही हूँ कि ये सब जाते हैं तो फिर मैं नीचे जाती हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ से स्लीपर्स ले लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और मैंने मसला ही कि मुझे टोटली कंफर्टेबल स्लीपर चाहिए थे, तो मैंने अलमास से किया शॉपिंग, घर जाके आपको दिखाती हूँ। ब्लॉग आपने पूरा देखना है, अब चलते हैं घर और आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से शूज़ लिए, ठीक है। जैसे कि शॉपिंग तो मैंने कर ली, मैंने सोचा कप शप की चाय पी के जानी चाहिए, क्योंकि इनकी मुझे बहुत पसंद है। मैं वेटिंग पे हूँ, ये सामने कप शप है। अच्छा, पहले इन्होंने बनाई है तो दीपपत्ती बना दिया, मैंने उनको कहा कि मुझे कड़क चाय दे दें, फिर इसके बाद मैं चलती हूँ घर, बस सिंपल चाय पीऊँगी, साथ कुछ भी नहीं लूँ। अभी चाय वगैरह पीने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी नीचे वाले फ्लोर से विंडो शॉपिंग भी करूं, और मैंने ड्राइवर से कह दिया था कि वो गाड़ी जो है फ्रंट पे ले आए, तो बस उसी तरह नहीं मैं ओरिएंट पे आई थी। सेल भी तो अच्छा कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इनका ये काफ्तान टाइप था, और इसकी जो प्राइस थी 7000 कुछ थी, तो इसमें एक मूंगिया शेड भी था। तो पहले मैं इंटरेस्टेड हुई कि मैं ले लेती, फिर मैंने सोचा कि नहीं ले लेती, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ना वेलवेट की काफ़ी कलेक्शन, और सर्दियाँ होती बहुत थोड़ी सी हैं,
तो ऐसे ही मुझे लगता है कि वो पड़े पड़े कपड़े ना ज़ाया हो जाए। तो शाम हो गई थी और देखें कितना खूबसूरत मंजर था। मैं घर की तरफ वापस जा रही थी, बस ये थी मेरी शॉपिंग। अच्छा, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, अभी मैं तमाम शॉपिंग आपसे शेयर करने लगी। वेलकम बैक जी, मैं आ चुकी हूँ घर और मैंने सोचा कि हर चीज़ बाद में करूँगी, वीडियो रह जानी है। ठीक है जी, बैग अभी मैंने साइड पर रखा है, ट्राईपॉड पर अपना मोबाइल लगाया है और अभी कुछ भी, बस हाथ मैंने धोए हैं। ठीक है, मैंने सोचा कि जल्दी से मैं आपको अपने जो विंटर शूज़ मैंने लिए हैं उसकी मैं जल्दी से आपको दिखा दूं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। ठीक है, मेरा ख्याल है ये सही लगा हुआ है कैमरा, थोड़ा सा नीचे कर लूँ, आई थिंक परफेक्ट है। अच्छा, ट्राईपॉड का बहुत फ़ायदा होता है, मैंने ये देखा है कि आप ना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ना स्लीपर्स चाहिए थे तो मैंने बस जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि जाते हैं एम्पोरियम मॉल, यहाँ से हमारे घर से 10 मिनट की ड्राइव है। ठीक है, हम मैं उधर गई हूँ, मैंने आराम से वहाँ शॉपिंग की, अलमास से मैंने ऑनलाइन भी देखे थे तो मैंने सोचा इनके स्लीपर्स अच्छे आए हैं। अच्छा, एक दो साल पहले भी मैंने लिए थे तो वो अच्छे थे, लास्ट ईयर जो मैंने लिए वो बहुत हार्ड थे, बहरहाल इस दफ़ा इन्होंने ना अच्छी इंप्रूवमेंट की। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ, अपने लिए लाई हूँ, बेटी के लिए लाई हूँ और बेटे के लिए भी कुछ लाई हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये एक लाई हूँ स्लीपर्स अलमास से, के बहुत अच्छे और ना ये सॉफ्ट है। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ मैंने आपको वीडियो में भी दिखाए थे। और ये एक हो गया। अच्छा, इसकी जो प्राइस है ये 1200 रुपीज़ है और ये न्यू अराइवल में है। ठीक है, ये देखें उल्टे या सीधे, ये देखें ये स्लीपर्स है। ठीक है जी, ये समर, ये विंटर के लिए हो गए, क्योंकि विंटर में ये होगा ना कि ये ऊपर से बहुत ज़बरदस्त रहेंगे और आजकल आपको पता है ये ट्रेंडिंग में भी है इस टाइप के, तो ये एक मैंने लिए स्लीपर्स। ठीक है, इसको रखते हैं साइड पे। अब दूसरे निकालती हूँ कि दूसरे कौन से लिए हैं। ये भी स्लीपर्स हैं, ये देखें, ये देखें कितने ज़बरदस्त है, ये भी सॉफ्ट हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं ना। ये भी इनका ना इस दफ़ा इन्होंने सोल, शुक्र है अल्लाह ताला का कि सॉफ्ट दिया, क्योंकि लास्ट ईयर इतने हार्ड थे कि पाँव ही थक गए थे। मुझे ना ज़रा नरम स्लीपर्स ही पसंद है। ये देखें, ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं, ये मैंने आपको वहाँ पे पहन के भी दिखाए थे। ठीक है, बल्कि इसको पहन लेते हैं, अब रखने की ज़रूरत नहीं है संभाल के, सस इसको मैं नीचे रख देती हूँ और अभी मैं पहनूंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक मैंने लिए हैं विंटर्स के लिए शूज़। वैसे तो शूज़ की मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे लगे, ट्रेंडिंग में भी थे, तो मैंने सोचा कि इस विंटर के लिए ना एक मैं ये अपनी कलेक्शन में भी करूँ। अच्छा, कपड़े जो है वो मेरे सारे स्टिच होकर आ गए हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने विंटर के लिए क्या कौन से ड्रेसेस लिए हैं। लिए तो मैंने 4-5 ही हैं, लेकिन सेलेक्टेड लिए हैं, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ जो होती हैं वो 1-2 महीने की होती हैं और वो बस जो तो इतने ज़्यादा हैवी कपड़े बनाने का ना कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है जी, ये देखिए विंटर के लिए एक मैं शूज़ लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी न्यू अराइवल है। अच्छा, पहले मैं सेल में देख रही थी, उसमें मेरा साइज़ नहीं था, सेल में मुझे ये मिल जाना थे 1800 कुछ के, लेकिन न्यू अराइवल में ये फिर मुझे 3200 रुपीज़ के मिले हैं, लेकिन ये कि शुक्र है ये मेरा साइज़ है। ठीक है, ये देखें, और ये आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में ना इस तरह के शूज़, तो मैंने सोचा ये मैं अपने लिए ले लेती हूँ, कभी कभी अपने लिए भी सोचना चाहिए, तो मैंने सोचा कि अब गई हुई हूँ तो अब ले लेती हूँ। अच्छा, और ये बात, ये मैंने अपने बेटे के लिए लिए हैं स्लीपर्स, खुद भी वो ऑनलाइन बहुत मंगवाता है, तो फिर मैंने सोचा चले उसके इस टाइप के थे, तो हम लोग ओसिस क्लब गए थे तो वहाँ पर किसी ने उसके गिले काट दिए और वो सारे ना टूट गए थे, तो ये अभी मैं रख दूँगी, अगर उसने पहनने होंगे तो ठीक है, उसकी अपनी चॉइस है। ठीक है जी, ये बस मेरी विंटर की शॉपिंग थी जो मैंने सोचा था मैं आपके से जल्दी से शेयर कर लूँ। अभी मैं आई हूँ एम्पोरियम से, मैंने जस्ट हाथ धोया, मैंने साथ ही ट्राईपॉड पे कैमरा जो सेट किया और मुझे ये था कि वीडियो रहना जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का छोटा सा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। आपने भी अगर कोई विंटर के शूज़ लेने हैं तो अलमास जो है वो बेस्ट चॉइस है, क्योंकि इस दफ़ा उनकी कलेक्शन बहुत अच्छी आई है। ठीक है जी, मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और जो नेक्स्ट इंशाल्लाह तरह वीडियो होगी ना वो मेरी ड्रेसेस के लिए के बारे में होगी, जो मेरे विंटर ड्रेसेस हैं, इस वजह से चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ और ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ऐसी है बहुत अच्छी है। हाँ, ये आपने ये चॉइस की ना ऑनलाइन की थी, तो मैं अपने लिए इस वजह से ब्लैक लाई हूँ कि व्हाइट में जो थी ना वो गंदी, मैंने कहा ज्यादा गंदी थी, ब्लैक ज्यादा अच्छी, ये मैं अपने लिए लाई हूँ। कैसी लग रही? बहुत, स्टिकर अब उतार दूंगी, स्टिकर के साथ देखना जाएगा। ये देखें जी, ये इसकी लुक है, अभी तो सॉक्स मैंने पहनी हुई है, तो शुक्र है अल्लाह ताला का। ज़ैनब की भी पहन के आपको दिखाती हूं, बहुत अच्छी है। अब बेटी इसको पहन लो, ठीक है? ओके।